हेलो एवरीवन, कैसी लग रही हूँ मैं? मैंने आज ये पहने हैं खरारा। सोचा था रानिया खेलूँगी लेकिन बारिश हो गई इसलिए मैं नहीं खेल पाई। खेलिए लेकिन अच्छा किया भी है। फोटो मोमेंट। बारिश भी आने लगी यार। बैठी हूँ अपनी सोसाइटी में, चल रहा है गरबा। कल तो नहीं हो पाया था, बारिश बहुत थी, सिर्फ पहले दिन अच्छे से हो पाया था। आज भी डर लग रहा है कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। खीर अभी गर्म है, अभी जस्ट बनाई मैंने 11 बजे। अभी 11:20 हो रहे हैं। आधा घंटा सोच रही हूँ कोरमा की, उसमें रख दो जाके रोशनी में। कोरमा की रात है, लेके जा रही हूँ मैं। बहुत गर्म है, सीधे बना के लाई हूँ ना, गर्म बहुत ज़्यादा है। सोच रही हूँ आधा घंटा यहाँ रख के बैठ जाऊँ, फिर जाके पूजा करूँ, क्योंकि मुहूर्त बताया जा रहा है 12:15 से 12:30 बजे तक का। बहुत गर्म था भगोना, बहुत। मैं थाली में रख के लाई क्योंकि डायरेक्ट लेके आई ना, यहाँ रख दी मैंने। आधा घंटा तो कम से कम बैठी रहूँगी यहाँ पे गार्डन में। डर वर तो कुछ है नहीं, अपनी सोसाइटी है, क्या टेंशन। चाहे पूरी रात बैठोगे तो भी टेंशन नहीं है। चंद्रमा देव तक एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा भी चल, पूरा सुनसान है, कोई भी नहीं है। खीर लेके तो रख दी मैंने खीर, और मैं यहाँ बैठ जाती हूँ थोड़ी देर चंदा मामा के उजाला में, क्योंकि आज की रात अमृत बरसता है। अमृत पहले पता नहीं था कि आज है, मैं कल की सोच रही थी। फिर मैं फटाफट गई ऊपर 11:15 बजे, 11:20 तक मेरी खीर बन गई। टाइम लगता है बनने में, स्लो आँच पे बनाई तो वही 11:15 तक बन गई थी। कोई 5 मिनट हुए हैं मुझे नीचे आए हुए, बैठूँगी आधा घंटा फिर जाके पूजा करूँगी, क्योंकि 12:15 से 12:30 बजे तक का मुहूर्त है पूजा का। उसके बाद फिर रेफ्यूज में रख दूंगी, पूरी रात जाली ढक के रखी रहेगी। आज की रात बरसता है चांद से अमृत, शरद पूर्णिमा की रात है आज। आज जाके कितने दाने हो रहे हैं मेरे मुंह पे। हर साल बनाती आई हूँ, इस बार अगर नहीं बनाती ना तो अजीब सी बेचैनी, घबराहट रहती कि मैंने कुछ मिस कर दिया। इसलिए धीरे 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 किचन में कर रही थी काम। ये आवाज़ देके बोल रहे क्या कर रही किचन में इतनी रात को बना रही है। मैंने बोला मुझे नहीं पता था कि आज शरद पूर्णिमा है, मैं खीर बना रही हूँ, गेट बंद कर दी, आवाज़ नहीं आएगी। बहुत धीरे धीरे मैंने काम किया। किचन में कितने भी स्लो काम करो, थोड़ा बहुत तो बर्तनों का आवाज़ आती है, वो भी रात को तो दूर तक मालूम पड़ती है। मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ क्योंकि घर में सभी लोग लेट गए हैं, खाली मैं ही हूँ जो जाग रही हूँ। 12 बजने ही वाले हैं। यहाँ पर मैंने चांदी की प्लेट में थोड़ी सी खीर निकाली है भोग के लिए। अब मैं आरती करूँगी, भोग लगाऊँगी और अखंड जोत जला दूँगी, पूरी रात जलेगी। और उसके बाद फिर हम बार बार बीच बीच उठ के देखते रहेंगे कि जोत जल रही है, तो जोत का ध्यान तो रखना पड़ेगा। रात के टाइम तो और भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लक्ष्मी माँ की, मैं धीरे से कपाट खोल के मैं लक्ष्मी की फ़ोटो लेके आई, चांदी की मूर्ति, जो मैं हर साल दिवाली पे पूजा करती हूँ और शरद पूर्णिमा पे करती हूँ। तो यहाँ मैंने रख दी चांदी की मूर्ति अपनी लक्ष्मी माँ की, और ये चांदी की छोटी सी प्लेट लाई थी जिसमें मैं चंदन वगैरह रखती हूँ डेली, इसमें मैंने भोग लगा दिया, यहाँ लगा दिया अखंड जोत। और मैंने चांदी की अंगूठी, मेरी कोरी है, ये मैंने पहनी नहीं अभी तक, लगता है इसी दिन के लिए रखी थी, तो मैं इसको डाल दूँगी रात भर। सुबह इसी खीर को प्रसाद में मिला के सबको भोग में बांट दूँगी। हो गई पूजा, रात के 12:15 बज चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। हो गई सुबह, जो चढ़ी हुई खीर थी भगवान को वो मैंने एक्स्ट्रा खीर में मिला दी। अंगूठी निकाल के पहन लूँगी हाथ में और सबको प्रसाद के रूप में बासे पेट दे दूँगी।